यो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज बॉय टीएफ। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज जैसे कि ईद का दूसरा दिन है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज थोड़ा मैं लेट उठा हूँ, बेसिकली 12 बज गए हैं और फीलिंग लाइक अ बिट फ्रेश और काफ़ी भूख भी लगी हुई है। सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ यार। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि सारा दिन हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा बाहर कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख से तो मरा जा रहा हूँ यार मैं। और बाकी मेरे आज नानों घर खाना है, तो मैं दिखाऊंगा कि आज के खाने में क्या है और कौन कौन आया हुआ है। बेसिकली सारे मेरे कज़न्स आए होंगे, फर्स्ट कज़न्स, मामू के बेटा बेटी, खाला के बेटा बेटी। तो इट्स गोना बी गुड टाइम। और जैसे कि यार ईद के दूसरे दिन होता है, आपके रिलेटिव्स ने खाना किया होता है, आज बेसिकली मेरे नानों घर खाना है। और ये हमेशा की तरह होता है कि दूसरे दिन उन्होंने खाना किया होता है, बड़ा मज़ा आता है। तो खाने में तो अभी 2-3 घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वाइफ के साथ जाके कुछ बाहर थोड़ा सा खाऊंगा, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ और सब्र का तो सीन ही कोई नहीं ना, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। तो आई होप के सब अपनी अपनी जगह खुश हैं एंड एवरीबडी इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम। बेसिकली खुशी का सीन होता है यार माइंड सेट से। लाइक आई हैव सीन पीपल लाइक हु आर अलॉट यू नो रिच एंड वेल्दी, बट दे आर अनहैप्पी इन देयर लाइफ। वो खुश नहीं होते, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता एंड दे आर हैप्पी, यू नो, एंड दे आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड एंड स्ट्राइव हार्ड इन देयर लाइफ। तो बेसिकली सारी माइंडसेट की गेम है। जितना मर्जी मुश्किल टाइम हो, जितना मर्जी हार्ड टाइम्स हो, अगर आपका माइंडसेट है ना कि नथिंग कैन बीट यू, देन नो वन कैन बीट यू फॉर श्योर। बाकी मैं जाऊँगा अब गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ, तो गाड़ी में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन पीस, टेक केयर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम गाड़ी में अब आ चुके हैं और अब हम रेस्टोरेंट जाएंगे। तो अभी कुछ वक्त बाकी है मेरे नानों घर के खाने में, तो हमने डिसाइड ये किया है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, हमने डिसाइड ये किया है कि हम मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, जिससे थोड़ा बहुत पेट भर जाए और फिर हम नानों घर जाके खाना खाएंगे। अभी तक तो मैं निकला हूँ, कोई 1:30 बज चुका है और लाहौर की सड़कें तो अभी मुझे बिज़ी लग रही है। मैं मेन रोड पे आया हूँ, लोग निकले हुए हैं, लोग काफ़ी घूम शूम रहे हैं, फिर शेर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जैसे कि ईद के दूसरे दिन में होता है। और बाकी आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों की ईदी कितनी इकट्ठी हुई है सबकी, क्योंकि मेरी तो कुछ भी इकट्ठी नहीं हुई यार। मुझे तो कोई नहीं मिली, मुझे जो मिली थी मेरी वाइफ ने वो सारी रख ली, और जिसका मुझे बहुत दुख भी है, क्योंकि मुझे सारी चाहिए थी और लेकिन उसने सारी की सारी रख ली, एक रुपया मुझे नहीं दिया। बाकी खैर वेदर आज का काफ़ी हॉट है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन अब भूख भी लगी हुई है। तो अब उधर पहुंच के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खाना शाना हम क्या खा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। जैसे कि मैंने कहा था कि हम मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, तो एक्चुअली वी आर इन डिफेंस, अभी हम डिफेंस पहुंच गए हैं। पहले मेरा प्लान बन गया था कि हार्डीज़ जाएंगे, क्योंकि मुझे हार्डीज़ बहुत पसंद है और मैं ये भी समझता हूँ कि हार्डीज़ मैकडॉनल्ड्स से बेहतर है, लेकिन फिर मेरी वाइफ ने कहा कि उसको मैकडॉनल्ड्स खाना है, तो भाई जी वाइफ की तो फिर सुननी पड़ती है। तो अब हम मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, बस ड्राइव थ्रू में पहुँचने वाले हैं और लेट्स सी कि अब हम क्या खाते हैं। वैसे डिफेंस तो खाली लग रहा है, इतना को रश नहीं लग रहा है इधर गुलबर्ग के साथ अगर कंपेयर किया जाए। गुलबर्ग में बहुत रश था, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी। तो एक्चुअली हम मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में पहुंच गए हैं, लेकिन हम पिछली बार की तरह ये नहीं करेंगे कि आगे वाली गाड़ी डिसाइड करेगी कि हमने क्या खाना है, क्योंकि वो बहुत नुकसान में गया था। तो देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं, थोड़ा बहुत ही करेंगे क्योंकि आगे हमने खाने में भी जाना है। तो लेट्स सी। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय गार्डन्स, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। एक्चुअली फ्राइज और डाइट को कर दें, मीडियम फ्राइज और डाइट को, मीडियम नहीं लार्ज, मीडियम ठीक है, मीडियम ही कर दें। और इस तरह करें 6 पीसेस नगेट्स कर दें, नहीं नहीं विदाउट मील, मील के वाले से
नहीं मील काफी हैवी हो जाएगा तो आप मील रहने दें। चले आप मील ही कर दें, एक सिक्स पीसेस नगेट्स का मील ही कर दें सिर्फ। हाँ जी हाँ जी वो ठीक है। नहीं थैंक यू शुक्रिया। तो सिक्स पीसेस नगेट्स का मील ही हमने ऑर्डर कर लिया। पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वो क्या कह रही थी, लेकिन फिर मुझे एंड पे समझ आ गई कि वो कहना चाह रही कि फ्राइज़ और डाइट कोक मतलब कि इकट्ठे ही आप ऑर्डर कर लें, वो आपको ज़रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। लेकिन अब थोड़ा बहुत हम खाएंगे यहाँ पे और फिर हम अपनी नानों घर जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन आया हुआ है और क्या क्या खाना बना हुआ है, क्योंकि वो फुल देसी और हैवी खाना है। मेरे वैसे घर वाले फुल देसी और हैवी खाना खाते हैं ज़्यादातर, जो कि मैं इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं उसमें से बोटियाँ छोटियाँ सिर्फ खा रहा होता हूँ, लाइक मीट के पीसेस और चिकन चिकन खा रहा होता हूँ। तो बेसिकली खाना आ चुका है और नगेट्स ऑर्डर किए थे तो मैं नगेट्स खा रहा हूँ। तो खाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि नानो घर में क्या क्या हो रहा है और क्या उधर खाना बना है। तो तब तक के लिए वी गोना टेक अ ब्रेक, खाना खाने के बाद हम आपको मिलेंगे नानो घर में। पीस। तो गाइस जैसे मैंने कहा था हम नानो घर आ गए हैं, तो ये मेरा नानो घर है और बस हम पहुंच गए हैं। ये मेरी नानो घर आ चुका है, यहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे, ये फर्स्ट घर है। हम एंटर करके मेरी नानो घर में, यहाँ ईद का खाना है, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन आया हुआ है और क्या क्या हो रहा है। गाइस ये देखें मैं ग्राउंड में हूँ, ये मेरी नीस है, इधर करीब आओ मेरे गुड गर्ल, हाय को ये देखें। और ज़ैनब क्या कहोगी, ईद मुबारक हो? नहीं कहना, शर्मा रही है? शर्म आ रही है आपको? आपको ईद ही चाहिए? कितनी चाहिए? 5000 चाहिए? बच्चे भी आजकल 5000 से कम ईदी नहीं मांगते, तो देख लें बच्चे कितने होशियार हैं। जरा मैं आपको ईदी दूंगा, मैं आपको ईदी देता हूँ, ठीक है वेट करो। तो व्हाट्सअप गाइस जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैं अपनी नानों के घर आ चुका हूँ और अभी मेरे कजन्स कुछ रास्ते में कुछ आ चुके हैं गेस्ट, खाला शाला मेरे मामू शामू सारे बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि खाने में क्या क्या है, सारे बैठ के बातें शातें कर रहे हैं जैसे देख रहे हैं आप, गेट टुगेदर है और थोड़ी देर बस हमें वेट करना है और थोड़ी देर बाद हम आपको मिलेंगे खाने पे। ये देखें गाइस ये मेरी कज़न है, ये खाने से पहले ही खाना खा रही है, इसको तो भूख ही लगी रहती है और शर्मा के चली गई है, लेकिन ईद मुबारक। बस हम कैंडी शॉप जाने ही लगे हैं, बस अभी एक्चुअली खाना फिनिश हुआ है हमारी नानो घर से और थोड़ी देर में हम बाहर चले जाएंगे। ज़ैनब को मैंने कैंडी शॉप भी लेके जाना है, ज़ैनब कैंडी शॉप जाना है ना, ज़ैनब को हम कैंडी शॉप भी लेके जाएंगे और जैसे ही हम गाड़ी में जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। तो गाइस फाइनली हम खाने से निकल चुके हैं, ज़ैनब शर्माओ ना आगे आ जाओ, और अब हम ज़ैनब को कैंडी शॉप लेके जा रहे हैं क्योंकि ज़ैनब ने ज़िद की हुई थी कि हमने कैंडी शॉप जाना है, तो अब उसको लेके तो जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने इन लॉज की तरफ जाना है। ज़ैनब कौन कौन सी कैंडी लेनी है आपने? बबल गम लेनी है, और क्या लेना है? च्युइंगम्स लेनी है। ज़ैनब आपकी ईदी कितनी इकट्ठी हुई है? ये देखो इसके पास मेरे से ज़्यादा ईदी है अभी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चलें गाइस मारो तो ना ज़ैनब मुझे, आपकी दिखा रही है। मेरी दी तो मेरी वाइफ खा गई है जिस तरह मैंने आपको बताया था। और
चलें गाइस, अब हम कैंडी शॉप जा रहे हैं और कैंडी शॉप जाते ही अब तो आपसे बातचीत होगी। क्यों ज़ैनब, कैंडी शॉप जाना है ना? हाँ। कंफर्म है? अगर हम नहीं गए तो हम वहाँ जाएंगे। वहाँ कहाँ? बड़ी नाना हाउस। नाना हाउस? बड़ी नाना हाउस। बड़ी नाना हाउस जाएंगे? बड़ी नाना हाउस से तो हमने खाना खा लिया। नहीं चलें गाइस, अब हम कैंडी शॉप जाएंगे, कैंडी शॉप जाके आपसे बातचीत होती है। और कुछ? ये चाहिए? ये चाहिए। ये मैं देखता हूँ, ये बबल काम है? तो गाइस हमने कैंडीज ले ली हैं। कौन कौन से कैंडीज ली हैं जैनब, दिखाओ जरा जल्दी में, कैमरा में दिखा दो जल्दी से। वाओ वाओ, और कौन सी ली हैं? वाओ, और आपने कहाँ जाना है? अब घर जाना है। घर जाना है? हाँ। मेरे साथ और नहीं फिरना आपने? सैर नहीं करनी मेरे साथ? चॉकलेट भी ली है? चलें, ये जैनब की ईदी हो गई है, जैनब को हमने कैंडीज ले ली हैं और अब हम आपको मिलेंगे जब मैं अपने इन लॉस की तरफ जाऊंगा। सो प्लीज। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज मैंने अपने इन लॉस की तरफ भी जाना है, मैंने अपनी भांजी को उतार दिया उसके घर पे, तो अब मैं निकल पड़ा अपने इन लॉस की तरफ जाने के लिए और वो है बैरियर टाउन में। तो एक्चुअली वी आर ऑन रिंग रोड और बस उधर पहुँच रहा हूँ मैं, और बस उधर पहुँच के ही मैं आपसे मिलूँगा और आपसे बातचीत करूँगा। तो गाइस, मैंने आपको कहना था कि एक्चुअली मैं अपने लॉस की तरफ से होकर आ गया हूँ। वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग, द फूड वाज रियली गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो और सब खुशी से रह रहे होंगे। एक्चुअली अब काफ़ी देर हो चुकी है एंड आई एम टायर्ड एज वेल, सुबह से ब्लॉग कर रहा हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। फॉलो माई पेज, को सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।